के टीचर का अंग्रेजी कमजोर है, अंग्रेजी नहीं आता तो बच्चों को क्या आएगा? अंग्रेजी कैसा रहता है सेंट्रल स्कूल के बच्चों? टीचर बहुत बकवास है, सच बोल रहे हैं, बहुत बकवास है, बहुत बकवास। अंग्रेजी स्कूल के बच्चों का इंग्लिश बहुत गंदा है। टीचर को आता है इंग्लिश? होता है हिंदी, इंग्लिश का रहेगा लेकिन पढ़ाएंगे हिंदी में। इंग्लिश का तो इंग्लिश में होता है लेकिन है तो पूरा इंग्लिश मीडियम, लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट इंग्लिश में नहीं होता है, नहीं होता एग्जाम इंग्लिश में। बाकी इंग्लिश टीचर ही स्कूल छोड़ के गायब हो जाते हैं कभी कभी। ये सब गलत बात है, सब पढ़ने वाला कोई नहीं है। नहीं 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 गलत। नाम क्या है? मेरा देवेश। इंग्लिश में टीचर बोलते हैं? नो नो मैम, नहीं को नहीं आता है। नो मैम, बहुत बकवास, हम लोग के टीचर ही गायब हो जाते हैं। कभी डर लगता है कि इन फ्यूचर अगर हम अंग्रेजी में कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे कोई बड़े कंपनी में तो? स्ट्रांग है मेरा इंग्लिश, बहुत स्ट्रांग है, इसलिए और बच्चे जो फेल बच्चों को हम जीनियस। मैं इंग्लिश में ऐसे टॉपर हूँ इसलिए मेरा बहुत अच्छा नंबर आता है। इनका नहीं ठीक है ना? फेल करता है, पास हो जाता है। किसी को इंग्लिश नहीं आता है, बच्चों का गलती नहीं है। स्कूल के टीचर को इंग्लिश नहीं आता है, इतना बड़ा विवादित बयान दिए हैं सेंट्रल स्कूल के बच्चे। मैं टीचर का राम जी राम सर, यानी कि सेंट्रल स्कूल के टीचर का अंग्रेजी कमजोर है, अंग्रेजी नहीं आता तो बच्चों को क्या आएगा? हालांकि यहाँ के बच्चे तेज हैं। बच्चे सारे बच्चे नहीं है, सारे बच्चे नहीं है। कौन वीक है? बहुत है, मतलब ज्यादातर 70-80% वीक ही है। 70-80% वीक है अंग्रेजी में। अंग्रेजी कैसा है राम जी राम सर का? अंग्रेजी कैसा है? बहुत अच्छा अंग्रेजी है उनका। अंग्रेजी बढ़िया है? हाँ। तो कहा जा रहा है उनको अंग्रेजी बोलने नहीं आता, बच्चे क्या बोलेंगे अंग्रेजी? बट फिर भी वो मतलब अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देते हैं तो काम हो जाता है। ऐसा दुख होता है कि मुझे इंग्लिश उतना बढ़िया नहीं आता जितना मैं सोची हूँ। बैंगलोर से क्या होता है इसलिए मुझे कुछ दुख नहीं होता है। दुख नहीं होता है? नहीं। अंग्रेजी ठीक है? हाँ। बढ़िया है? यस। फटाफट है? मेरा चश्मा बहुत अच्छा है, आपको चाहिए? इसमें मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ? माय स्पेक्स आर वेरी गुड, डू यू वांट देम? क्या बात है, क्या बात है। बैंगलोर? या सो वी लाइक टू कम। यस एग्री। My also profession, I would like to become journalist overall ahead from Hindi language. So I opted Patrakarita, MA Hindi in Patrakarita from Delhi University right now for CVT form. Let's see what happened. But overall I am very happy for the moment. I look whenever I used to see people around like you, I wish myself that the way you used to have a courage to show us. But people around the students, we like used to interrupt by misleading the languages and whatsoever. Earlier I was in Uttarakhand. My primary education had been done from Uttarakhand. But unfortunately, due to some lack of economical zone, I got my admission in the Kendra. Okay. तो कभी लगता है कि भाई उत्तराखंडी में जाके admission करवा लेते, यहाँ क्यों करवा रहे? Yes, ma'am. Paper. But after that, when we get out from the school gate examination, we say, "Abbe Saleh, come here." This is the language. No mind in the friends, that's okay. But it is in a very aggressive mood and a very out of the courses, which should be minimized and which should be rationalized. यहाँ पे देखिए, ये चीज़ आप जो बोले ना, "Abbe Saleh, come here." ये चीज़ है कि सिर्फ गलती यहाँ पे स्टूडेंट का नहीं है, टीचर्स का नहीं है, कहीं ना कहीं माँ बाप का भी है, घर का माहौल का भी है। तब जो बैकग्राउंड जो मिल रहा है उनको, वो चीज़ हो जाता है। क्योंकि अगर जैसे कि एक दो बच्चे का अंग्रेजी यहाँ पे बहुत अच्छा था, वो शायद चले गए, तो उन लोग का शायद, हाँ उनका बहुत अच्छा था, तो ये चीज़ है। आपका कैसा गया पेपर? हेयर बैन, चश्मा, दो चोटी, बहुत प्यारी लग रही। थैंक यू सो वेरी मच। मतलब अंग्रेजी हमको लगता है, आप क्या है, क्रिश्चियन है? नो आई एम नॉट, आई एम नॉर्मल स्टूडेंट, आई एम मुस्लिम। मुस्लिम है? या। कहाँ से हैं आप? फ्रॉम बिहार इटसेल्फ, इन फ्रॉम पटना। पटना से हैं? या। अंग्रेजी आपका, मतलब इंग्लिश आपका बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। थैंक यू। बिहार में बच्चों का अंग्रेजी कमज़ोर होता है, कुछ बच्चों का, सारे बच्चों का नहीं, 70-60% बच्चों का अंग्रेजी कमज़ोर है। मेरा भी कमज़ोर है, ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत स्ट्रांग है और मैं बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ इंग्लिश। कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर उन्हें इस चीज़ से मात खाना पड़ता है कि उनका इंग्लिश कमज़ोर है, किसी कंपनी में उन्हें रिजेक्शन मिलता है या कहीं उन्हें डीमोटिवेशन मिलता है क्योंकि इंग्लिश कमज़ोर है।
बिहार सरकार की गलती इसलिए है क्योंकि बिहार के जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनका इंग्लिश बहुत कमज़ोर होता है, क्योंकि उनके स्कूल में हिंदी में पढ़ाई होता है, हिंदी में एग्ज़ाम दिया जाता है। अगर इंग्लिश का वैल्यू है तो चाहे आप सरकारी और प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश की ही पढ़ाई करवाएं, इंग्लिश में ही पढ़ाई करवाएं, या फिर दोनों में हिंदी की पढ़ाई करवाएं।